हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुक ऐशा। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चाइना ग्रास जेली पुडिंग की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये जितना देखने में सुंदर है, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ आधा लीटर दूध, ऑरेंज जेली पाउडर, 10 ग्राम चाइना ग्रास, 6 टेबलस्पून शुगर और 400 ग्राम पानी। पहले चाइना ग्रास को छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। एक ग्लास पानी डालकर इसे थोड़ी देर के लिए सोख होने देंगे और इधर हम 400 ग्राम पानी में जेली मिक्स और प्रीमिक्स पाउडर डालकर इसे डिसॉल्व होने तक मिक्स करेंगे। अब ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है तो इसे मिक्स करते हुए बॉईल आने तक पकाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली गर्म पानी में ही जेली पाउडर मिक्स कर सकते हो। देखिए इसमें बॉईल आ चुका है। अब गैस को ऑफ करेंगे और मैंने ग्लासेस को इस तरह से क्रॉस एंगल में सेट कर लिया है। अब इसमें ये गरम जेली डालेंगे। हमने सारे ग्लासेस में जेली डाल दी है। अब इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम चाइना ग्रास बनाएंगे। अब दूध को गरम करेंगे और उसमें 6 टेबलस्पून शुगर डालकर मिक्स करके बॉईल आने तक पकाना है। अब सॉस पैन में सूखा हुआ चाइना ग्रास डालकर इसे मेल्ट करेंगे और एक बॉईल आने देंगे। अब गैस को ऑफ करके इसमें बॉईल किया हुआ दूध डालकर मिक्स करेंगे। और आखिर में 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालकर सबको अच्छी तरह से कंबाइन करेंगे। आधे घंटे बाद जेली अच्छे से सेट हो गया है। अब ग्लासेस को ट्रे में निकालेंगे और इसमें चाइना ग्रास डालकर सारे ग्लासेस फिल करेंगे। इसी तरह से बड़े ग्लास में भी चाइना ग्रास डालेंगे और सभी ग्लासेस को 20 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट बाद सारे ग्लासेस सेट हो गए हैं तो इसे मिंट लीव्स और रेड चिली से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा चाइना ग्रास जेली पुडिंग तैयार है। इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस है और इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और क्रीमी है और बहुत ही इजी रेसिपी है, सबको जरूर पसंद आएगी। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ और तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।